हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों के नए व्लॉग के अंदर। और हमारे अद्दू जी भी सो करके उठ चुके हैं। हो गई नींद पूरी आपकी? अभी नींद में है, देखो अभी बहुत नींद आ रही है इसको। ठीक है, तो इसने जो है ना पूरा बेड है ना गीला गीला पीला तो नहीं करा, गीला करा है। तो चलिए मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ जल्दी से। और ये भी नींद में हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसको ऐसे लगा के आरू सुला दो। आरू सुला दो बेटा, सोने दो। तो चलिए मैं बेडशीट चेंज करती हूँ जल्दी जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करके। पागल भाई मिला। मैं अकेला थोड़ी ना निकाल पाऊंगा कुछ भी। हर दिन से तरह मुझे फोल्ड करना पड़ेगा क्या यार? इसे नेट को संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे आता है फोल्ड करना। ये लीजिए, इसको साइड में, उनसे कोई सीखे, इसको साइड में रख दिया है। और अभी रजाई भी साइड में डाल देते हैं, इसको भी साइड में डाल दो। तो ये धूप में डालने से चली जाएगी। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या रीजन है जो बेडशीट चेंज करनी पड़ रही है। टन टन डु डु, ये रीजन है भाई। हमको देख लीजिए हम कहाँ पड़े हैं। पहले उसकी कमर तो ठीक कर लो, कहाँ पड़े हैं। तो गाइस यहाँ पर ये दोनों लेटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी, अद्दू था टमी में, तब काफ़ी सारी वीडियोस लोग बनाते थे कि प्लेसेंटा अगर एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो तो गर्ल होता है या बॉय होती है। तो आज मैं अपनी ही ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है सेकंड बेबी को लेकर के। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बेडशीट क्लीन कर लो, उसके बाद आराम से बैठ के थोड़ी गपशप करेंगे, मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो भाई नेट हम लोगों ने लगा दिया है, ठीक है। मैं एक बात बताऊं, सितंबर चल रहा है, मानने वाली बात है, तब भी मेरी चांद पे आप लोग पसीने देख लो कितने ज्यादा आ रखे हैं। आप भी दिखाओ पसीने, दिखाओ इसे भी बहुत पसीने आ रखे हैं। गाइस मेरे हाथ कितना ज्यादा जला हुआ है, देखिए। एक ही चला देते हैं, कोई नहीं। अरे अभी बताते भाई मेरे को ये बोल रही है बुड्ढी, देख लो भाई बुड्ढी। अब लोग आप कह रही हो तो अब आप लोग देखो बेड पूरा, भाई हमने बेडशीट चेंज कर दिए, क्लीन हो गया है। और अद्दू क्यों रो रहा है? अद्दू क्या हो गया बाबू? नहीं नहीं, मोई 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 टिन टिन टिन। अरु नहीं करो ना बेटा, वो इरिटेट हो रहा है। तो कर सकते आ गई आ गई आ गई। तो देख रहे हो आप लोग कैसे रो रहा है वो। गाइस ना शंख से बहुत ही ज्यादा डरता है। मैं एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और पीछे हम लोग देख रहे हैं सौरभ जोशी का ब्लॉग, क्योंकि आरुषि को बहुत पसंद है देखना। ये 10 बार देख ले, 20 बार देख ले, इसका मन नहीं भरता, ये देखती रहती है। और देखो मैंने शीट तो चेंज कर दी, मगर आप लोगों को मैं हाल दिखाती हूँ घर का। शीट तो चेंज हो गई मगर वहाँ डाइपर, यहाँ ये देखो कैसे फैला हुआ है वहाँ तक। मुझे मत दिखाना। और ये फैलाने वाला कोई और नहीं, ये चामचिंदी है भाई। बहुत बुरी तरह जब ये रोना स्टार्ट करता है ना, तो ये रोता ही रहता है। तो ये रोना स्टार्ट करता है ना, जब ये रोता रहता है। और आप एक बेचारी औरत की हालत देख ही रहे होंगे। स्त्री तेरी यही कहानी। आरू चला दो यार, मर जाऊंगी। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, टर्न ऑफ कर दो। तो थोड़ी देर के लिए यार गाइस बताऊं, थोड़ी देर के लिए एसी चला लेते हैं। बहुत वाकई में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइस कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है? अरे चला दो, दूर हो रहा है तो यहाँ गाइस हवा हवाई। अद्दू अद्दू बाबू, छोटू बेबी कूल हो ले हो आप, ऐसे कोई लोता है? गंदा बच्चा, बहुत गंदा बच्चा। तो गाइस ये हमारा छुटकू शाह बेतू है। गाइस देखो टेम्परेचर कितने पे है। अद्दू 20
पता है इसके क्या आदत है, अभी तो मैं इतने ब्लॉग भी नहीं बनाती हूँ फिर भी इसकी आदत है कि अगर ये कैमरा देखते ही अपने आप ही चुप हो जाता है। आप में से कौन मुझे पसंद करता है? कोई भी नहीं पसंद करता। गैट ऑफ अपना किसने पादा? अद्दू ने। नहीं मम्मा अद्दू ने नहीं पादा, दीदू ने पादा। तेरी छी छी यार गंदा नेट उसके मुंह में। हमारे चुंकू पुंकू, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि इसको लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो ये थर्ड मंथ में ही मेरे को फील हो गया था, टुडिंग टुडिंग सा लड्डू की तरह कुछ लगता था टम्मी मेरे को। डराता था ये, अगर मैं इसे डराती हूँ और अगर मैं, आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर पूरा एक मतलब व्लॉग बनाऊं कि क्या एक्सपीरियंस रहा क्या नहीं रहा। और ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्टीरियर इंटीरियर होने से कुछ फर्क पड़ता है। लाइटिंग थोड़ी दाएं बाएं हो गई थी। इंटीरियर ना ही इंटीरियर प्लेसेंटा होने पे कुछ फर्क आता है ना ही पोस्टीरियर। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पोस्टीरियर होता है तो लड़का होता है, इंटीरियर होता है तो लड़की होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था और मुझे अद्दू हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरी बातें शेयर करूंगी, मेरे पास सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है नकली डॉक्टर प्रीति से तो जरूर इसको नकली डॉक्टर नहीं बिल्कुल नकली डॉक्टर को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करके सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक और ज्यादा से ज्यादा वॉच करके, जितना वॉच करेंगे उतना ही जल्दी मैं आप लोगों को व्लॉग डालूंगी कि मतलब क्या सिम्टम रहते हैं, अलग फील होता है। आज ही बताऊंगी ना मैं क्या सिम्टम, क्योंकि आज बताने बैठूंगी तो व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। 50 बार पूछ लिया मेरे डायलॉग की बता दो। मगर हाँ मैं बताऊंगी जरूर, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे सपोर्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बताया प्लेसेंटा करो, मुझे करो इसको मत करो। मैंने आप लोगों को बताया प्लेसेंटा होने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्लेसेंटा। और मैं कमेंट्स अपनी ऑफिसली रखती हूँ क्योंकि भाई आजकल लोगों का कुछ भरोसा नहीं होता है, ठीक है? पागल ना बोल दे कोई, कमेंट चेपते हुए चले जाते हैं। तो जितने ज्यादा चैनल के ऊपर व्यू आएंगे मैं उस हिसाब से समझ जाऊंगी कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसका नेक्स्ट पार्ट। भाई अभी मैं खुद ब्लॉग बना रही हूँ और ये सौरभ जोशी के ब्लॉग देख लिए बीच में, दो मिनट रुको ना रुको। मैंने बंद करवा दिया है। तो गाइस आज ही मैं से इतना पिटी थी ना, मैं सच बोल रही हूँ झूठी बोल रही। गाइस इनके तरह आप अपने घर की बातें में शेयर करना नहीं मन करो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और मैंने चुप रहो, मैं कैमरा स्टॉप। अच्छा मेरी बात सुनो, हटो यहाँ से। मैं बताती हूँ ये ना ज्यादा क्या करती है। कैसे मक्खन लगा रही है? नहीं मगर एक मैं सारी बात नहीं शेयर करूंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर मैं एक छोटी सी चीज ये बोलूंगी कि मैंने इसे ही लास्ट वार्निंग दिया, अगर ये अभी भी नहीं सुधरी ना मैं इसे यहाँ से हॉस्टल रफा दफा कर दूंगी, वाह क्या नहीं कर दूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ये इतनी बड़ी हो गई है संभालती नहीं है, मैं इसे संभालू। एग्जाम्स चल रहे हैं, इसको छोड़ो, पढ़ने के पीछे पिटती है मैं से अभी भी, वाकई में पूरी पोल खोल दे और कह रही बातें बताओ छुट्टी हो ना, हटो हटो यहाँ से, हटो हटो। सारी बातें छोड़ते हैं, अच्छा रुको सारी बातें छोड़ते हैं। मैं आप लोगों को अच्छा सारी पोल क्यों खोलूंगी, पूरी पोल क्यों खोलूं, अपनी बॉडी हटा ना बंद करूंगा। मोय 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 आप हटो छोड़ो। अब मैं आप लोगों से गाइस ये बताना चाहती हूँ, मैं बता ही रही हूँ इतनी देर से, कि अगर आप लोग वाकई में ये मतलब ब्लॉग देखना चाहते हैं इस चीज के ऊपर, इंटीरियर पोस्टीरियर जो भी होता है, तो मुझे आप लोग प्लीज जितने ज्यादा से ज्यादा व्यू देंगे मैं समझ जाऊंगी आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, ठीक है? और गाइस एक मजे की बात बताऊँ, ये मेरा हाथ सीधा हो जाता है और ये मेरा हाथ देखो टेढ़ा हो गया सीधा ही नहीं होता, आपको इसमें भी फर्क दिख रहा होगा। इसका जो गट्टा है कितना मोटा और इसका देखो कितना पतला है, और ये जो मेरा, तो गाइस इसी के साथ ही मैं चुकड़ू मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि ये जो आपका 15 तारीख को पूरा का पूरा 4 मंथ का कम्प्लीट हो जाएगा, फिर 2 महीने की और बात है, उसके बाद मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी अच्छे से, फिर मैं आजादी आजादू, क्योंकि अभी क्या है मेरे को डॉक्टर जो है हैवी डोज नहीं दे रहे हैं इसकी वजह से, कहीं इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कोई अंदर से। इसको बहुत परेशान करते हैं, मैं सच में बता रही हूँ, आधे टाइम तो मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना पाती हूँ। अब मुझे बताओ इसका पैर पकड़ के खींच रही है, इतना छोटा बेबी है, इसको कुछ हो जाए जरा सी देर में। छोटा बेबी है, बहुत छोटा है, वाकई में गोलगप्पा बेबी नॉनसेंस। तो
इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। रबड़ ले लो गाइस, देखो रबड़ ले लो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। सर जिसको रबड़ लेंगे रबड़ के साथ इसको भी ले तो गाइस इसके साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ही ब्लॉग में अगर आप इस ब्लॉग को ज्यादा प्यार देंगे तो मेरे पास सारे तो मेरे पास सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह, मेरे सारे टेस्ट वगैरह, मेरी सारी हर चीजें, चुप रहो ना यार, ब्लॉग एंड नहीं कर पाती। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ और आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट ऑफ रखती हूँ, कमेंट ना करें ठीक है। दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दे, सपोर्ट दे ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ कल एक नए ब्लॉग में। और हाँ, कपड़े चेंज करने के बाद, नहा धोने के बाद कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।